सबसे पहले आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। आज के दिन को स्पेशल बनाने के लिए मैं आप सबके लिए बहुत ही आसान सी बहुत ही इजी केक की रेसिपी लेके आई हूँ और ये केक आप उन्हीं सामान से बना सकते हैं जो आपके पास घर पे इजीली अवेलेबल रहता है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ ईशा। आप लोगों का मेरे चैनल हंगर टाइम पे बहुत बहुत स्वागत है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये केक खाने में बहुत ही मज़ेदार है। बच्चे बड़े हर किसी को बहुत पसंद आता है। झटपट बन के रेडी हो जाएगा और नो फेल रेसिपी है, ये इसका बेस्ट पॉइंट है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं एक मिक्सर ग्राइंडर का जार ले रही हूँ, जिसमें यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक पैकेट ओडियो बिस्किट का, और इसको मैं ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लूँगी और इसका एक फाइन पाउडर बना लूँगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ग्राइंड कर लिया और एकदम फाइन पाउडर में ये बदल चुका है। अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी 2 चम्मच दूध। यहाँ पे मैं जो दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे है और उबला हुआ दूध है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा दूध ना डालें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने हाथों की मदद से इसका एक डो बना लिया है। अब इसमें से मैं थोड़ा सा पार्ट लूँगी और इसको एक बोल में बदल दूँगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको एक बोल में बना लिया है और इसी तरीके से मैं थोड़ा सा और पार्ट लूँगी और इस तरीके से इसको थोड़ा फ्लैट करते हुए इसको हम बांसुरी की शेप दे देंगे, बिल्कुल लंबा लंबा। और इसी तरीके से अभी हमारे पास डो बचा हुआ है तो थोड़ा सा डो और लेके मैं उसको बिल्कुल हाथों के बीच में रख के इस तरीके की शेप दे दूँगी और दोनों किनारों को जोड़ दूँगी। और आप देख सकते हैं हमारा इंस्टेंट मटका बन के तैयार है। कान्हा जी का त्यौहार हो, मटकी ना हो, बांसुरी ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। तो हमने मटकी बना ली है और इधर मैं बांसुरी को थोड़ा बांसुरी लुक देने के लिए टूथपिक का इस्तेमाल कर रही हूँ और उसमें होल कर रही हूँ कि जिससे ये दिखने में एकदम बांसुरी के जैसे लगे। आप चाहें तो किसी भी तरीके से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको हाथों से सेट कर लूँगी और हमारी बढ़िया मटकी और बांसुरी बन के एकदम रेडी है। अब मैं यहाँ पर एक बाउल ले रही हूँ जिसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 कप दही और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप ऑयल। आप किसी भी ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं, बस एक बात का ध्यान रखें, उसमें कोई फ्लेवर ऐड नहीं होना चाहिए। अब साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी 1/2 कप चीनी। यहाँ पर मैं पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक ये आपस में मिल ना जाएँ। और आप देख सकते हैं कि तीनों चीज़ें आपस में अच्छे से मिल चुकी हैं। अब हम इसमें बाकी के इन्ग्रीडियंट्स डालेंगे। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ पहले 1/2 कप मैदा, फिर 1/4 कप मैदा, यानी कि लगभग हमें इसमें 3/4 कप मैदा इसमें डालना है। और इसको डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यकीन मानिए फ्रेंड्स, बच्चे बड़े हर कोई इस केक को बहुत ही पसंद करता है और बहुत ही झटपट बन के रेडी भी हो जाएगा और कान्हा जी तो आपसे एकदम खुश हो जाएंगे। तो इस बढ़िया सी रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इनको मिक्स कर लिए। अब जिस बाउल में मैंने इसको बेक करना है यानी कि माइक्रोवेव करना है तो उसको मैं अच्छे से ग्रीस कर लूँगी। आप चाहें तो इसको गैस पे भी बना सकते हैं और बीच में मैं रख दूँगी बटर पेपर। अब एक बार फिर से बैटर चेक कर लेते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर और साथ ही मैं डाल दूँगी 1/2 चम्मच मीठा सोडा यानी कि खाने का सोडा और इसको हम फटाफट मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इस बैटर को हम डाल देंगे जिसमें हमें इसको माइक्रोवेव करना है, यानी कि उस बाउल में जिसको हमने ग्रीस करके रखा है। आप चाहें तो इसको गैस पे भी बना सकते हैं। इसको आप गैस पे रख के 40-50 मिनट्स के लिए सेक लें और बीच में एक बार चेक कर लें, क्योंकि ये आपकी हीट के ऊपर डिपेंड करता है। आप देख सकते हैं कि अब मैं इसको बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने सारे बैटर को बाउल में डाल दिए और इसको डैप डैप करके हम एकदम फ्लैट कर लेंगे, इनकी लेवल पे ले आएंगे। इससे हमारा केक एकदम परफेक्ट बने। और अब मैं इसको 3.5 मिनट के लिए माइक्रो कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैं एक बाउल ले रही हूँ जिसमें मैंने डाला 1 कप व्हिपिंग क्रीम और इसको हम तब तक व्हिप करेंगे जब तक कि इसके अंदर स्टिफ पिक्स नहीं आने लग जाए। यहाँ पर मैं आज हैंड विस्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो इलेक्ट्रिक विस्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस के दौरान मुझे 7 से 8 मिनट लगे थे। फटाफट हम इसको मिक्स करते रहेंगे। इसे हमें तब तक मिक्स करना है जब तक इसमें स्टिफ पिक्स नहीं बनने लग जाएं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, स्टिफ पिक्स इसमें बनने शुरू हो चुके हैं। आपको दिखाती हूँ।
तो इसको मैं सेट होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूँगी। और हमारा केक बनके एकदम बढ़िया रेडी है। अब मैं आपको टचपिक से चेक करके बताती हूँ, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। और थोड़ा ठंडा होने के बाद अब मैं केक को डीमोल्ड कर रही हूँ। यहाँ पहले मैं नाइफ की मदद से किनारों को छुड़ा लूँगी और अब मैं इसको एक प्लेट पर निकाल दूँगी। ऊपर से हल्का डैप डैप करते हुए अब मैंने पूरे केक को एक प्लेट पर निकाल लिए। वाओ, हमारा केक बनके एकदम रेडी है। अब दिखने से ही पता चल रहा है कि ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, कितना ज़्यादा स्पॉन्जी है। अब हम इस केक को तीन हिस्सों में कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये कितनी आसानी से कट हो रहा है और ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। और अब मैं इसको प्लेट में रख लूँगी और इसी तरीके से हम इसको इसकी एक लेयर को और कट कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने इसकी एक और लेयर को कट कर लिया है और उसको भी मैं साइड पे रख दूँगी। अब देख सकते हैं केक को मैंने तीन हिस्सों में कट कर लिया है और अभी लंबे समय तक मॉइस्ट रहे, इसी तरीके से सॉफ्ट रहे। तो अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ चीनी वाला पानी, यानी कि आपको एक चम्मच चीनी में थोड़ा सा पानी डाल के उसका एक सिरप बना लेना है और इससे हम इसको हल्का हल्का ग्रीस कर लेंगे, जिससे जो मॉइस्चर है केक के अंदर तक रहे। और जो ऊपर वाली बिल्कुल टॉप लेयर थी छोटी वाली, उसको हम सेंटर में रखेंगे और उसके ऊपर भी चीनी वाला पानी लगा देंगे। बहुत ज़्यादा ना लगाएं। और अगर आप मीठा कम खाना पसंद करते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। नेचुरली हमारा केक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। अब यहाँ पे मैं व्हिपिंग क्रीम के साथ इसको क्रम कोट कर रही हूँ। फटाफट से हम इसको क्रम कोट कर देंगे। और आज हम घर पे जो सामान अवेलेबल होता है उससे कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे आज मैं नाइफ का इस्तेमाल कर रही हूँ, कोई भी स्पैचुला वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर रही। जनरली हर किसी के पास घर पे स्पैचुला वगैरह नहीं होता, तो इसीलिए आज मैं आपको नाइफ के साथ ही इसकी डेकोरेशन करने सिखा रही हूँ। और जो हमारे पास डो बचा था उसकी मैंने इस तरीके से छोटी छोटी गोलियाँ बना ली हैं और इस तरीके से केक को डेकोरेट किया है। अभी से कितना अच्छा लग रहा है ना। और साथ ही मैं इसके ऊपर रख रही हूँ मटकी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मटकी को रख दी है। अब इसके अंदर माखन भी होना चाहिए, तो बिल्कुल अब हम इसमें माखन डालेंगे। यहाँ पे मैंने हमारी व्हिपिंग क्रीम को एक पाइपिंग बैग में भर लिया है और इसमें हम इसको माखन की तरह डेकोरेट कर देंगे। और साथ ही मैंने साइड पे रख दी है बांसुरी। और साथ ही मैंने एक बिस्किट के ऊपर इस तरीके से स्टार्स वाली कैंडीज पड़ी होती है ना, साथ में वो रख दी। आप चाहें तो कुछ भी डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास घर पे सॉफ्ट पड़ी थी तो मैं इसके कॉर्नर्स पे सॉफ्ट लगा देती हूँ, जो इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देगा। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया, कितना टेस्टी, कितना डिलीशियस केक बनके तैयार हुआ है। और बहुत ही आसान है, सारे इन्ग्रीडियंट्स आपके पास घर पर ही अवेलेबल होंगे। अगर आप लोगों को मेरी बनाई हुई वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 हिट द लाइक बटन। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। और आप चाहें तो मुझे Instagram, Facebook और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं और अमेजिंग हैक्स का मज़ा उठा सकते हैं। आपका दिन शुभ हो।